हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन शिक्षण पर। जैसा कि आप लोग को बताया गया था, सूची भी बताया गया था, पहले वीडियो में आप लोग को सूची बताई गई थी। सारी सूची अगर आप लोग नोट किए होंगे तो आप लोग को पता होगा पहला टॉपिक हम क्या पढ़ा रहे हैं, कड़ी पढ़ा रहे हैं। कड़ी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताई गई थी, और सेकंड पार्ट में भी कुछ हम बताए थे, कुछ छूटा हुआ था। फिर आज थर्ड पार्ट मतलब कल वाले पार्ट में जो पिछली वीडियो थी इसके जस्ट पीछे वाली, तो उसमें कुछ क्वेश्चन करवाए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमको बीच में ही रोकना पड़ा। तो आज बचा हुआ क्वेश्चन आज हम सारा क्वेश्चन करवा देंगे, और कुछ आप लोग को होमवर्क भी दे देंगे, और इसी तरह सेशन चलता रहेगा। आप लोग बस साथ मेरा दिए रहिए, साथ बनाए रखिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे आप लोग को DLED का मैथ का सारा कोर्स बेसिक से कराया जा रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे ट्यूशन। हम लोग जहाँ पे तीन ट्यूशन तो पढ़ लिए थे, वैसे भी जो लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उन लोग को पता होगा कि सर बेसिक कैसे पढ़ाए थे। अगर बेसिक नहीं देखे हैं जो, वो पहले बेसिक देख लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर समझ में आएगा, नहीं तो बीच से तो नहीं समझ में आने वाला है ना। ठीक है, तो हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे से। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आज का क्वेश्चन क्या आएगा ना, आज का क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आज का है 0.0032 के पावर 0.6, 0.0032 के पावर 0.6 का वैल्यू बताना है आपको। 0.0032 के पावर 0.6 का हमको वैल्यू बताना है। देखिए फ्रेंड कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो जो यहाँ पे 0.00032 है, पहले इसको हम लोग ये डेसिमल में है, दशमलव में है, इसको पहले हम लोग इसमें बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में लाएंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद इसको भी भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। जो 0.6 है इसका अगर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 6/10 होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर 0.6 होता है यहाँ पे तो 10 से ऊपर, 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हो गया 6/10। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 3/2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6 2 5 10, यानी क्या निकल गया है 3/5। मतलब कि अगर हम 0.6 के जगह 3/5 रख दें तो तब भी बात एक ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे, ये भी डेसिमल में है, ये भी दशमलव में है, दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, दशमलव के जितने इधर नंबर रहेंगे उतने ही जीरो से, उतने ही वन के आगे जीरो लगाकर हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि 0.00032 है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 है, 0 की तरफ 5 5 5 1 2 3 4 5 5 है, तो इसका मतलब कि वन के आगे 1 2 3 4 5 5 जीरो लगा दिए ऊपर भी और 5 जीरो नीचे भी, 1 2 3 4 5। अब इसको या जो 5 वाला है इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो है 3 2 5 इसका नीचे रहने देंगे, इसको इसका भी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 32/1 के आगे 5 0 5 0, 1 के आगे 5 0, 1 2 3 4 5। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके प्लेस में जो यह चीज़ है उसके प्लेस पे यह सारी वैल्यू, और इसके प्लेस पे यह 3/5 वाला वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो ठीक है, अपने रखते हैं, आगे चलते हैं, रखते हैं इसको, इसको उठा के यहाँ पे, और इसको उठा के यहाँ पे इस वाले वैल्यू को जो यह निकाला गया है 3/5 आया है यहाँ पे, और इसके प्लेस पे यह वाला वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, मिटा रहे हैं। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पे आया था क्या, इसके प्लेस पे आया था 32/32 के आगे 1 2 3 4 5 0, और यहाँ पे क्या आया था जब काटे थे 2 3 6 2 5 10, यानी 3/5 आया था। अब क्या यहाँ पे 3/5 है, अब इसको देखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 32 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 4 × 8 × 16 × 32। अब यहाँ पे 10 मतलब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई है 5 बार, यहाँ पे लिखेंगे 10 × 10 × 10 × 10 × 10। ठीक है, अब यहाँ पे 3/5 जो है ये वाला, उसके पावर में उसी तरह लगाए रहेंगे, ये पावर है। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे दोस्त, इसमें कितने 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 बार दो आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार जब दो आया हुआ है तो 5 × 2 = 5 और 10 × 5, मतलब इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं 2 2/10 के पावर 5, और एक पावर ऊपर से पहले से है, यानी कि 3/5 है,
यहाँ पे ये वाला फाइव मतलब बताया था आपको घातांकी रूल में, घातांकी नियम में बताया गया था कि जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2/10 के पावर 5 इंटू 3/5, ये 5 इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या 3, यानी कि 2^3 10 के पावर 3 कितना हो जाता है दोस्त आपको पता है, 2^3 होता है 2 × 3 मल्टीप्लाई और 10 × 3 मल्टीप्लाई, मतलब लास्ट आंसर क्या आएगा इसका, आंसर देखते हैं 2/10 है, 2/10 के पावर 3 यानी कि 2^3 मल्टीप्लाई 1, 2, 3, अब नीचे भी 10 का भी 3 बार हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर काटना है तो काट सकते हैं, नहीं तो फिर 2×4×8 8/1000 इसका आंसर आ गया। काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, जैसे 4 से देखेंगे 4×8 और 4 से ये 250 बार में कटेगा, इसको जब भाग दे सकते हैं, भाग अलग से दे सकते हैं 4 से इसको काटेंगे 4 से इसको, यानी कि 2/250 आ गया। अगर फिर भी कट रहा है तो फिर से काट लें, 2×1 इसको काटेंगे तो 125, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/125। अब 125 को भी मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं 5×5×5 तीन बार, तो 1/5 के पावर 3 लिखें या फिर 1/5 इतना लिखे छोड़ दें, इसका फाइनली आंसर यह भी हो सकता है। देखिए 5 के पावर ये जब यहाँ पे 5 के पावर 3 आएगा, इसके प्लेस पे 5 के पावर 3 आएगा ना, 5×5=25, 5×1=125, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यह चीज जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे तो नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो यह वाला माइनस हो जाएगा, बताए थे आपको पिछली वीडियो देखिए जो लोग नहीं देखे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा -3, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5 के पावर -3। अगर यह है आंसर में तभी मान लेंगे, अगर 1/5 के पावर 3 है तभी लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है बहुत, बोला है 1/2 के पावर 1/2 के वैल्यू बताइए, इस तरह क्वेश्चन देगा और ऑप्शन में दिया जाएगा, आपका 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में जो आंसर होगा सॉल्व करने के बाद आएगा उसी को टिक करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि 1/2 का मतलब क्या होता है, यही जो 1/2 गया है ऊपर, इसका मतलब रूट होता है ऐसे, यही चीज पूरा पे हो गया है 1/2, ऐसे दूसरा मूल है, दूसरा मूल यानी कि रूट है, सेकेंड रूट है, ठीक है। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, बस यही आंसर है आपका, यही आंसर है, इसी को टिक करेंगे, ऑप्शन में रहेगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले बेसिक देखें आप लोग, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें हमारे साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, √8 के पावर 1/3 है, ठीक है, मतलब तीसरा मूल है, पहले से तो रूट एट है यहाँ पे, उसके पावर भी 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे रूट एट है, इसके पावर 1/3 है, रूट एट मतलब यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, मतलब 8 के पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 8 के पावर में 1/2 का पावर 1/3 है। अब पता है पावर के पावर जब रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 8 के पावर में 3×6 1/6 हो गया, 1/6 8 को क्या ले सकते हैं 2×2×2, 3 बार 2 का मल्टीप्लाई है अंदर, 3×(2), 3×(2) का। अब यहाँ देखिए 2×2×2, 2×4×8 के पावर 1/6 है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, अब पहले से 1/6 है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 3×2=6, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली √2। पहले एक स्टेप और है, नहीं तो कहेंगे सर आगे बढ़ गए एक स्टेप, पहले एक स्टेप इसको और देख लेते हैं छोटा सा, 2 के पावर 1/2 क्या आएगा 1/2, यही तो दूसरा मूल है बताया गया था, अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग √2, यहाँ पे 2 रहेगा तब भी ठीक है, नहीं रहेगा तभी मान लिया जाएगा कि √2 है या 2 है, इसको 2 समझिए। हम कुछ क्वेश्चन बनाने वाले भी हैं आपसे अपने, ठीक है, आप लोग के लिए, और जो मेरे पास अभी अवेलेबल है उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और बच जाएगा जो उसको हम आप लोग को होमवर्क दे देंगे, नहीं तो फिर हम उसको सॉल्व करा देंगे, अगर कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको नहीं सॉल्व कराएंगे, ऐसी बात नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32/243 −4/5 यही है मेरा क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी पिछले वाले क्वेश्चन कराए थे 32 का 5 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2×2×2×2×2×2×4×8×16×32 यही है। अब यह जो है 243 है, इसको 3 का मल्टीप्लाई है, 5 बार 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि 3×3×3×3×3×3 यही है, 3×3=9, 3 जा
81 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही आएगा 243 आएगा। अब यहाँ पे 32 है, अब यहाँ पे आप लोग देख लिए 2 5 बार आया 2 के पावर 5 और नीचे 3 है, मतलब 2 और 3 2/3 2/3 के पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2/3 के पावर 5 और पहले से है मेरा, यहाँ पे -4/5 पहले से है तो -4/5। अब देखिए पावर के पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर लिख देंगे 2/3 के पावर 5 -4/5। तो यहाँ पे 5 5 कैंसिल हो गया, यानी 2/3 के पावर -4। अब माइनस होता है मतलब कि इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। देखिए आगे 2/3 के पावर -4 बचा हुआ, -4 ये बता रहा है कि ये मेरा उल्टा है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, जब रिवर्स करेंगे यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो ही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी अगर ये ऑप्शन में दिया रहा था ये टिक कर देंगे, नहीं तो ऑप्शन में अगर एक और वैल्यू दिया है तो वो भी टिक कर देंगे। यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, इस तरह इसको लिख सकते हैं। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान से बस आप लोग कंसंट्रेशन बनाए रखिए, सब कुछ समझ जाएगा। आप नहीं देखे हैं तो बेसिक नहीं देखे हैं जो, वो जाकर पिछली वीडियो अच्छे से देखें, 2 से 3 बार देखें उसे, ठीक है, उसके बाद सारी चीजें समझ में आएंगी। और नहीं समझ में आया फिर भी तो कमेंट करिए, और कमेंट करिए जो भी क्वेश्चन भी है वो आपके पास, अगर और क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड करिए, या फिर मैम के ही टेलीग्राम चैनल पे सेंड करिए, वो मुझे सेंड कर देंगी तो उसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1/3/4 3 की पावर -2/3। अब देखिए 1/-3/3/4 3 के पावर -2/3 -2/3। यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस रहे, यहाँ पे माइनस हो चाहे यहाँ पे माइनस हो, ये वाला माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे यहाँ पे हो, रहना तो चाहिए यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में क्या करता है यहाँ पे दे देता है, यहाँ पे नीचे दे देता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। कुछ बच्चे जिनका बेसिक नहीं क्लियर होता है, जिनका क्लियर होता है तो बाद में कर लिया जाता, कर ले जाते हैं, कोई बड़ी सवाल नहीं है, बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस को ऊपर रखें या नीचे रखें, हमेशा उसको ऊपर काउंट किया जाता है, ऊपर ना भी काउंट करें तो ही माइनस समझिए कि माइनस ऊपर ही है यहाँ पे, या नहीं कि समझिए कि नीचे है तो इससे कैंसिल नहीं हो। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं कि देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3/4 3 है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब 7 × 7 × 7। हम आप लोग को एक दिन एक दिन पूरे क्यूब का वीडियो, एक दिन पूरे स्क्वायर का वीडियो सिखा देंगे ट्रिक में कैसे निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए ये 7 का क्यूब, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 × 7 × 7। 7 का मतलब 7 × 7 × 7, ठीक है, 7 × 7 = 49 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो कितना आ जाएगा, 3/4 3 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 49, अब इसका मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो आ जाएगा मेरा 3/4 3, यही आ जाएगा 3/4 3। तो इस चीज को हम आगे चलते हैं, लेकिन ठीक है, देखिए जब 7 7 आया है इसको 1 माइनस, यहाँ पे माइनस है 1/7 के पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ से पहले से है -2/3 पहले है तो अब यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेगा, पता है मल्टीप्लाई होता है जब पावर के पावर रहता है तो -1/7 के पावर 3 × 2/3। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा, यह 3 3 गया। अब यहाँ पर -1/7 है पहले से और यहाँ पर -2 आ गया। अब देखिए -2 क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए -1/7 के पावर -2। अगर यह भी आंसर में है तो इसको लगा के चले जाएंगे, लेकिन -2 ये बता रहा है ये जो वैल्यू है 7 7 को ऊपर ला देंगे, 7 को ऊपर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 7 के पावर -2 की जगह क्या हो जाएगा, केवल +2 हो जाएगा। तो यह माइनस बता रहा है कि 7 मेरा रिवर्स में है, इनवर्स में है, बस ये इसको ऊपर ला देंगे, 7 जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 7 ऊपर जाएगा, जब 7 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -7 के पावर 2 हो जाएगा। हमको पता है इसी के पावर अगर सम संख्या रहती है, सम संख्या मतलब दो जो 2 से कटने वाली संख्या है, जैसे 2 4 6 8, इसके लास्ट में 0 भी सम संख्या आ जाता है, वैसे 0 कोई नंबर नहीं है, नंबर में एक काउंट होता है, वो दूसरे दिन दूसरी टॉपिक है, उसको दूसरे दिन समझा देंगे 0 क्या होता है। यहाँ देखें जब -7 के पावर 2 है तो 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, जब सम संख्या होता है किसी के पावर तो माइनस हट जाता है, प्लस में हो जाता है, मतलब ये जब प्लस में हो जाएगा तो यहाँ 7 × 7 मतलब 49, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 49, दैट्स आंसर, यही इसका आंसर। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 के पावर
टू अपॉन थ्री, 27 के पावर 2 अपॉन थ्री इंटू 81 के पावर 1 अपॉन टू इंटू 81 मतलब 81, 81 का मतलब 81 लिख रहे हैं सामने, थोड़ा सा अगर साथ देंगे तो बेटर रहेगा ना, इंग्लिश बोल दे रहे हैं तो उसको आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, बस सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे बोला जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा, अच्छे से नहीं समझ आएगा उसको भी अच्छे से क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए 1/2, यहाँ पे 1/2 ये 1 है तो उससे 1 है, ये 1 है ठीक है। 1/2 इक्वल टू 3 के पावर 9 इक्वल टू 9 गलती हो गया, एन यहाँ पे एन रहेगा ठीक है, इसका वैल्यू एन है जो ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन का मान बताइए, मान बताइए एन का मान बताना। अब देखिए यहाँ पे 27 का मतलब आगे पीछे लिखा है, 27 का मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे 3 है 3 × 3 × 3 के पावर 2/3 है ठीक है। यहाँ पे 81 का मतलब 3 का 4 बार मल्टीप्लाई ठीक है, 3 × 9 = 27, एक में इसमें एक और 3 लगा देंगे तो हो जाएगा 81 का इंटू ठीक है, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3 के पावर 1/2 इक्वल टू 3 की पावर n है ही, 3 की पावर n है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 की पावर 3 जब 3 में मल्टीप्लाई हुआ मतलब 3 की पावर 3, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई मतलब 3 की पावर 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का 4 बार गुणा हुआ है तो 3 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 3, अब पावर का पावर जब होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 2/3 पहले से 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पहले से पूरा का इंटू है ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के पावर 4, और पहले से 1/2 है 2/2 हो गया, पावर में है यह वैल्यू, पावर में है यह वैल्यू, पावर में इसको ध्यान दीजिए, पावर में इसके पावर में ये वाला इसके पावर में, और यहाँ पे 3 की पावर n है ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 से 3 कैंसिल, ये वाला 3 कैंसिल, क्योंकि जब ऐसे रहता है ना ऐसे होता है तो इसका मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब ये नीचे नहीं ये ऊपर है, ऊपर नीचे जब सेम होता है तो वैल्यू कैंसिल होता है, कटता रहता है तो काटते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है ठीक है। देखते हैं जब कैंसिल हो जाए 3 के पावर 2 बचा तो 3 के पावर 2 इंटू यहाँ पे 2 × 4 2 बचेगा तो 3 के पावर 2 यहाँ बचा और इक्वल टू 3 के पावर n है n, तो n की वैल्यू निकालना है। यहाँ देखेंगे 3 हमको एक आपको हतांकी रूल में बताया गया था कि जब पावर पावर अलग हो या ना हो लेकिन बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी 3 के पावर 2 + 2 इक्वल टू 3 के पावर n ठीक है। अब आगे ऊपर देख लेते हैं, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ठीक है, ऊपर देख लेते हैं, क्या आया था फ्रेंड, 3 के पावर 2 + 2 इक्वल टू 3 के पावर n यही आया था, यहाँ n की वैल्यू निकालनी है। अब आप लोग को पता है जब इक्वल के दोनों साइड बेस सेम होता है, बेस मतलब जो पावर होता है वह नहीं, जिसके पावर होता है वह चीज ठीक, वह वैल्यू जिसके पावर है मतलब यह वाला बेस है, यह अगर सेम होता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 जो है ना 2 + 2 करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 = n, इनकी वैल्यू आ गई 4 ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मतलब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको वैल्यू बताना है, सिर्फ एक डेराइव डेरिवेशन दे दिया, जैसे कि 2 के पावर n + 2 के पावर n - 1 अपॉन में 2 के पावर n + 1 - 2 के पावर n, बस इसको सॉल्व करके छोटा बनाना है, छोटे रूप में इसको बस बना देना, जितना छोटा बना सकते हैं उसको उतना छोटा बना देना। अब आप लोग को पता है यहाँ पे 2 के पावर n है, यहाँ पे 2 के पावर n - 1 है, यहाँ पे 2 के पावर n + 1 है, माइनस है बीच में 2 के पावर n है, तब इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 के पावर n + 2 के पावर n और इंटू 2 के पावर -1, इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि पता है जब मल्टीप्लाई होता है तो ये आपस में ऐड हो जाता है, यहाँ पे -1 है इसका मतलब ये नहीं कि ऐड नहीं होगा, इसका मतलब है कि फिर भी ऐड ही होगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, प्लस के साथ अगर माइनस का इंटू होता है तो माइनस ही आता है, तो यहाँ पर 2 मतलब n - 1 हो गया ठीक है। यहाँ पे 2 के पावर n × 2 के पावर 1 इसको लिख सकते हैं इस तरह, 2 के पावर n + 1 को ऐसे लिखा जा सकता है, फिर माइनस के बीच में माइनस लगा दिए 2 के पावर n हो गया ठीक है दोस्त। अब इसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 के पावर n यहाँ पे भी 2 के पावर n यहाँ पे भी, मतलब दोनों जगह 2 के पावर n है, 2 के पावर n को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे मतलब कि उसको अलग से बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 के पावर -1 बचेगा, 2 के पावर n कॉमन कर लिए, यहाँ पे 1 बचा
प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के पावर -1, 2 के पावर -1 का मतलब 1/2, ये बचेगा ठीक है। यहाँ 2 पावर n है और यहाँ भी 2 पावर n है, दोनों तरफ 2 के पावर n है, 2 पावर n फिर कॉमन होगा, 2 पावर n कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 के पावर 1 -1, यहाँ पे वही बचेगा, यहाँ से निकालेंगे तो 1 × 2 पावर n करेंगे, किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, तो 2 पावर 1 का मतलब 2 - 1 यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे 2 के पावर n देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे जब सेम होता है तो कैंसिल कर देते हैं ठीक है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो 2 का LCM जब लेंगे 2 भी आएगा, 2 + 1 = 3/2, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, 3/2, और यहाँ पे 2 - 1 नीचे 1 आ जाएगा, मतलब अगर एग्जैक्ट आंसर देखें इसका, इसका आंसर आ गया 3/2, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट इसी तरह सेम है, नेक्स्ट इसमें क्या करना है, इसमें भी आप लोग को छोटे से छोटे रूप में सबको लाना है, बस इसमें सेम है, डरना नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चे किए होंगे वो सॉल्व करेंगे, अच्छे सॉल्व करेंगे, देखते रहिए बस। x के पावर a अपॉन x के पावर b के पावर में a प्लस b, पहले क्वेश्चन नोट करिए, पहले क्वेश्चन नोट करिए और अच्छे समझिए फिर हम समझा रहे हैं, यह पावर है ठीक है, x के पावर b अपॉन में x के पावर c पूरा के अपॉन में b + c इंटू, यह भी पावर में है। अब x के पावर c अपॉन में x के पावर a के पूरा होल में x पूरा का पावर c प्लस a, यही क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए एक बार फिर से बोलते रहे, x के पावर a अपॉन x के पावर b टोटल मतलब पूरा के पावर में a प्लस b इंटू x के पावर b अपॉन x के पावर c पूरा का पावर b प्लस c, इसको होल पावर बोलते हैं, इंटू x के पावर c अपॉन x के पावर a पूरा होल पावर c प्लस a। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देख रहे हैं यह बेस जो सेम है, हम बताए थे एक बार आपको, मतलब पिछली वीडियो में एक बार क्या, पिछली वीडियो में बताया गया था सारा घातांकीय गुण, उसी को बस सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, इसको ट्रिक से भी सॉल्व किया जा सकता है, तुरंत सेकेंडों में आंसर आ जाता है, देखे और आंसर बता देंगे, ऑप्शन है, हमको सॉल्व करना का सॉल्व करने का तरीका भी तो आना चाहिए ठीक है, एक बार बेसिक देख लेते हैं फिर ट्रिक वाला भी वीडियो ला देंगे। यहाँ पे x के पावर a माइनस बी हो जाएगा, पता है ना जब बेस सेम होता है तो पावर आपस से माइनस हो जाता है, जब डिवीजन होता है तब माइनस होता है, जब इंटू होता है तो प्लस हो जाता है, यानी x के पावर a माइनस बी, और पहले से a प्लस बी है, यहाँ पे इंटू, इसको सही से लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x के पावर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यह हो गया इसके पावर में। अब यहाँ पे भी b माइनस सी हो जाएगा, यह पूरा इंटू x के पावर में b माइनस सी, देखिए जो ऊपर है वो प्लस में रहेगा, ये b माइनस सी होना चाहिए, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, c x के पावर c प्लस a है, c माइनस a हो जाएगा, x के पावर c माइनस a इंटू सी प्लस a ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर भी बेस हमको सेम मिल रहा है ना, बेस तो सेम आ रहा है, जब बेस सेम आ रहा है तो फिर से इन सबको, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, a² - b² = a - b a + b, बीच में इंटू होता है, a² - b² का मतलब होता है a - b * a + b, ये आप जानते होंगे, वही बस फार्मूला देखिए यहाँ बना हुआ है, यह वाला a - b a + b, इसको लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे b - c b + c b² - c² हो जाएगा, c - c + a, यानी c² - a² हो जाएगा। अब इसी को इसी के फॉर्म में हम लोग ऐड करते हैं, देखते हैं आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, रेलवे तक के एग्जाम में आता है, रेलवे OSSC तक के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बेस तो सबका सेम है, यहाँ पे ऐसे है, इसको ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, ब्रैकेट लगाना अगर भूल गए तो बाद में कंफ्यूजन भी हो सकता है एग्जामिनर को, तो हमको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे, बस ब्रैकेट लगा कर रखना, आपने तब से पूरी कोशिश करनी, कोई गलती नहीं छोड़ी ठीक है। आगे देखते हैं a - b a + b, तो क्या लिख सकते हैं, a² - b² जैसा कि आपको बताया गया, इंटू x² - b² - c² इंटू x² - c² - a² ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, अब इसके आगे, अब देखिए यहाँ बेस सबका सेम है, बस सबको ऐड करने के लिए, जैसे कहता है कि रूल आपका कहता है ऐड करने के लिए, एक क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे
फ्रेंड वीडियो से ज्यादा बड़ी हो रही है, इस पे ध्यान रखते हुए यह लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, थोड़ा स्पीड में नहीं चलेंगे अभी, क्योंकि अभी एग्जाम का शायद डेट वगैरह नहीं आया हुआ है, तो अभी स्पीड में नहीं। जैसे एग्जाम आ जाता है आप लोग का सर पे, वैसे हम लोग स्पीड में थोड़ा चलना स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। फिर फिलहाल बेसिक समझिए, जितना बेसिक हो सकता है हम टाइम दें, आपको पूरा टाइम देंगे, आप भी मेरा हम लोग का साथ दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए आप बेसते हैं तो पावर ऐड हो जाएगा सबका, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, फिर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब फिर आप लोग को पता होगा जब एक प्लस में होता है वैल्यू, एक माइनस में होता है सेम वैल्यू, तो कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर दिए सब, कैंसिल देखिए बी माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कैंसिल, मतलब वन माइनस वन क्या होगा जीरो ही होगा, ठीक है। तो जीरो हो गया सब करके, समझ लीजिए ये वन दोनों है तो कैंसिल हो गया, जीरो तो हो गया ना, तो जीरो या तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स के पावर सॉरी एक्स के पावर कितना आ गया जीरो। अब हम आप लोग को घातांकी रूल में बताया था, जिसके पावर जीरो होता है उसकी वैल्यू क्या आती है वन आता है। बस देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, पहाड़ था निकली चुहिया, खोदे पहाड़ निकली चुहिया, तो मतलब यही मेरा आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा तो नहीं कहेंगे जो सॉल्व किए होंगे, फिर भी जो नहीं किए होंगे उनके लिए पहाड़ लग रहा होगा, थोड़ा पहाड़ वहाड़ नहीं है, इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आ गया इसका आंसर वन, ठीक है दोस्त। आज के लिए आपके कुछ कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोग को, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। और हो सकता है, हो सके तो कमेंट में उसकी वैल्यू दीजिएगा हमें, तो हम देखते हैं कितने लोग देते हैं कितने लोग नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, अगर ए की वैल्यू, पहला क्वेश्चन है, अगर ए की वैल्यू है रूट थ्री बटे दो, रूट थ्री बटे दो, तो हमको वैल्यू का मान बताना है रूट में, अंडर रूट वन प्लस ए प्लस रूट में वन माइनस ए, ए की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू, तो इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, टू के पावर एक्स माइनस वन प्लस टू के पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू 320, दो के पावर एक्स माइनस वन, दो के पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू 320, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स का मान, एक्स का मान बताइए। तो फ्रेंड इतना आपके लिए सफिशियंट होगा, इसको पहले सॉल्व करिए, और जिसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत है वो थोड़ा क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको सॉल्व करिए, जो उसमें से फंस रहा है उसको कमेंट में भेजिए, टेलीग्राम पे भेजिए, हम लोग सॉल्व करके उसका आंसर आप लोग तक पहुंचा देंगे, ठीक है दोस्त। यह रहा, इसको नोट कर लीजिए होंगे, ठीक है। तो हम मीटा इरेज कर देते हैं इसको, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी है, अच्छा समझ में आ रहा है, उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंडों को बताइए कि ये DLED का सारे कोर्स आपको इस चैनल पे उपलब्ध है ऑनलाइन शिक्षण पर, और मैथ के तो बिल्कुल, मैथ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैथ पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे, सारे क्वेश्चन करवाएंगे, और बस बाकी सब्जेक्ट भी कराया जाएगा यहाँ पे। आप लोग बस अच्छे से तैयारी करिए, और इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।